ये जो सामने आपको फोर व्हीलर दिख रही है उस स्कूटी वाले को उन्होंने ठोक दिया है। रॉन्ग साइड तो नहीं चलना चाहिए था उनको। तो भाई साहब इनका तो पैर छिला गया है। सबसे इरिटेशन वाला बात तब होता है जब आप काम करने बैठो फिर अचानक पत्नी आ जाए झाड़ू लेकर के, पतिदेव साइड हटिए झाड़ू लगाना। ठीक है, ये लोग जानना चाह रहे थे कि जिया की डिलीवरी डेट कब है। नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग जी? स्वागत करते हैं आपका अपने इस नए ब्लॉग में। हिंदी किचन में क्या बन रहा है? यहाँ लग रहा है आलू परवल की जो है सब्जी बनने वाली है। और बाहर जो है मौसम कई दिनों से ऐसा किया हुआ है, आलू परवल भी क्या सब्जी बनती है, दूध भुजिया, आलू परवल की सब्जी, दाल, रोटी, चावल। अच्छा, अब मौसम के बारे में बात कर रहे थे, ऐसा मौसम क्या हुआ है? 20 दिन से लग रहा है कि अब बारिश होगी, तब बारिश होगी, बादल घेर के रखेगा, सूर्य नहीं उगेगा, न रौद होय छे, न बरसा, न जाड़, न गर्मी, बीचे में लोग का राखने छे, क्या देखी लोगों का मान छोड़ भाग ले तो भगवानों का हिसाब ले छे। वाह बढ़िया। तो जी नहा करके हो गए हैं फ्रेश, उधर हमारा लग गया खाना, तो चलिए जा करके वहाँ खाना खाते हैं। तो बहुत दिनों से जी हमारा चावल बंद है, हम रोटी ही खा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि चावल से हमारा आदत छूट जाए, क्योंकि चावल के बिना रहने का आदत है नहीं। नया पड़ के पेट आगे निकल रहा है, क्या करें, नया पड़ का फिर तीन चार दिन खाएगा थोड़ा सा भा देता जना हमारे मनवा छे, दिन में तीन रंग के बात कर लो। अच्छा, वो बात हर घड़ी रूटीन बदल गए, इससे तुम लोग का पुराना आदत है दोनों भाई का, तुम लोग कोई रूटीन बनाता है ना उसको हम विश्वास करते हैं, खाना क्या छोड़ता है उस पर हम विश्वास करते हैं, तुम लोग वर्तमान में जो करता है तो मुझे नजर से दिखाई देता, हम सब तो वही तुम लोग कर। वाह बहुत ही अच्छी बात, के ठो ईश्वर की दया दृष्टि है तो आदत खराब है तो जैसा बाप। तो फाइनली जी आगे मार्केट से जल्दी से अब जो है तरबूज को काटते हैं, जिया को दे देते हैं नारियल पानी, तब तक अपना नारियल पानी पिएगी, उसके बाद तरबूज खाएगी। जी अभी अभी सो करके उठी हुई है, तो कैसा है, एकदम ताजगी लग रहा है, फ्रेश दिमाग। दिन में छोटा सा ही नींद लोता है 15 मिनट का, एकदम लगता है कि मूड फ्रेश हो जाता है। आपका मूड गया हमको पता ही नहीं चला, हम मुश्किल से 20 मिनट सोए, उसके बाद हमको सोया ही नहीं गया, हम उठ गया कि चलो उठो काम पर बैठे। तो चलते हैं जिसको नीचे दे आते हैं अब। हाँ दीदी। तो फाइनली जी आज का जो ब्लॉग है हमने वो अपलोड कर दिया है, उसके बाद अब आ गए हैं, थोड़ा सा टीवी खोलते हैं, टीवी खोल करके वहाँ पर थोड़ा रामायण देख लेते हैं, जिया देख ही रही है, हम भी साथ साथ देख लेंगे, और कुछ ही देर में खाना भी बन जाएगा तो खाना खाने चलेंगे। तो वहाँ खाना भी लग चुका है तो सीधा चलते हैं जा करके खाना खाते हैं। जिया भी उठ गई तेजी में, क्योंकि जिया जानती है अभी खाना नहीं खाएगी तो मम्मी से लगेगी जबरदस्त डांट, तो उठ जाती है भाई तेजी में, तो उठो चलो। The next day यहाँ पे पतिदेव सुबह सुबह आ गए छत पे और पानी डाल रहे हैं, अभी अभी ऊपर आए हुए थे तो हमने देखा कि पापा जो है मोटर चलाए हुए है, हमें कहा चलो लगे हाथ पानी भी पटा देते हैं। जिया जो है टहलते टहलते बैठ गई है और अपने फेस पर मसाज कर रही है, वहीं पर एलोवेरा का पेड़ है, वहाँ से थोड़ा सा पत्ता तोड़ करके सुबह सुबह अपना मसाज भी कर लेती है। और अब चलते हैं जी नीचे, और यहाँ कोई बात नहीं जी, ऐसे ही हम भूलते रहेंगे और ऐसे ही पत्नी महारानी लाती रहेगी, पत्नी महारानी को भी तो सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। कहे सुधारेंगे तब तुमको सेवा करने का मौका कैसे मिलेगा। जी अपना वहाँ सामान अरेंज कर रही है जी, और हमारा वहाँ पर अपना सेटअप लग चुका है, तो सीधा चलते हैं और अपने काम पर बैठते हैं। सुनो ये बेल्ट लगा दो ना, बहुत दिन से लगाए नहीं ये बेल्ट, खरीदने ही तो आता है, लगाने यूज करने नहीं आता, बस खरीदना। कोई बात नहीं अभी लगा लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलते हैं जी बाहर, माँ ने कहा है दूध लाने के लिए तो लेते आते हैं दूध। 20 मिनट्स लेटर बाहर माहौल देख सकते हैं जी, अभी थोड़ा धुंध जैसा लग रहा है, पता नहीं ये धुंध है या पॉल्यूशन है, क्योंकि इस समय तो धुंध नहीं होना चाहिए, ऐसा तो मौसम है नहीं। अभी बाहर निकल गए और पैसा तो लाए ही नहीं, तो सीधा चलते हैं घर, पहले पैसा ले लेते हैं फिर चलेंगे दुकान। मालकिन पैसे दे दो, तो देंगे भी नहीं। अरे मालकिन है तो मालकिन को मालकिन नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, इसमें खाली चिल्लर सब है, जो मेरा भी पैसा रहता है वो अपना ले लेते हैं आप के चक्कर। तो जिया का बैंक आप देख सकते हैं जी, जो मसाले का डब्बा है, जिया का जो बैंक बना हुआ है 40 रुपया लीटर। अंकल दूध चाहिए था 1 लीटर, बस दूध हम लेते आए जी दूध, अब सीधा चलते हैं घर। यहाँ से देख रहे हैं जिया खिड़की का सफाई कर रही है, वहाँ देख सकते हैं जिया को, जी अपना खिड़की का सफाई कर रही है। दूध आ ही गया है तो जल्दी से बनाना शेक बना लेते हैं, बनाना शेक बना करके दे देते हैं जिया और नीचे, उसके बाद अपने काम पर लगते हैं।
सब्जी बनाना सीख तैयार है तो जा करके इसको दे आते हैं जिया को और मोनू को। होता क्या है जी, घर में सोचा कि सभी लोग के लिए बनाते हैं लेकिन सभी लोग पीते नहीं है, डैडी पीते नहीं है, दीदी पीती नहीं है, रितु पीती नहीं है। हम इसलिए नहीं पी रहे, हम तो पीते हैं क्योंकि थोड़ा सा वेट बढ़ता जा रहा है, तो इसीलिए जो हमने अभी इसको कंट्रोल कर रखा है, वरना हमें यहाँ काफी अच्छा लगता है। कहाँ है, ले लो, हाथ गंदा है, जल्दी से हाथ धो और पी लो, मोनू को दे जाते हैं। ये लोग तो पी ली अपना बनाना शेक और अब हम जाते हैं काम पर। काम पर जाने से पहले सोच रहे हैं एक बार नहा ले, थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे क्योंकि गर्मी थोड़ी ज्यादा है, चिपचिपा है पूरा माहौल, एकदम लग रहा है नमी से भरा हुआ। जा करके नहाते हैं उसी के बाद काम कर पाएंगे, वरना लग रहा है कि नहीं हो पाएगा काम। सबसे इरिटेशन वाला बात तब होता है जब आप काम करने बैठो फिर अचानक पत्नी आ जाए झाड़ू लेकर के, पति देव साइड हटिए झाड़ू लगाना, ये बार बार क्या होता है। जब पंखा बंद कर देते हैं फिर आप चला देते, फिर हम बंद कर देते हैं फिर आप चला देते हमको क्या पता रहता है कि तुम ही बंद, गर्मी लगता है चला देते हैं, झाड़ू लगाएंगे फिर हम चला के चले जाएंगे, लेकिन नहीं आप नहीं, ध्यान नहीं रहता है झाड़ू का। हो गया चले, पहले यहाँ साफ हो जाए ना फिर चलेंगे, नहीं तो कहेगी कि यहाँ पर गंदा पैर से उधर चल गए। नहीं पोछा नहीं लगा रहे, अभी जा सकते। हो गया जी अपना सारा काम, इसके बाद अब चलते हैं मार्केट। मार्केट से जो है कुछ मेडिसिन लेते आते हैं, माँ का जो है मुंह में थोड़ा सा छाला हो गया है तो उसका जाके मेडिसिन ले आते हैं। जिया का भी कुछ लाना था और भी कुछ जो सब जरूरत है मार्केट से, सब कुछ उठा करके ले आते हैं। इसको ठोक दिया ई रिक्शा वाला को, ये जो सामने आपको फोर व्हीलर दिख रही है उस स्कूटी वाले को उन्होंने ठोक दिया है, शायद उसी की बहुत चल रही है, रॉन्ग साइड भी चल रहे थे वो, रॉन्ग साइड तो नहीं चलना चाहिए था उनको। अरे भाई साहब इनका तो पैर छिला गया है, भाई साहब का पैर पूरा लहूलुहान हो गया है, भैया जीभ में पूरा छाला हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया, घोटा भी नहीं जा रहा है। तीनों खाइयो सुबह से, ठीक है तीन बार एक गोली मोले चुसना घुमाते एक डीएफओ जेल दीजिएगा। कैसे भैया तरबूज नपना 50 काटिए, ठीक एक और पन्नी दे दीजिए तो गिर जाएगा नहीं तो। चलिए जी तरबूज तो ले लिया, बस अब लेना है नारियल पानी, तो कोर्ट होकर के ही चलते हैं, कोर्ट के पास में ही मिलता है, चलते हैं। कलर प्रिंट चाहिए था, कलर ये तो ब्लैक एंड व्हाइट है, इस टाइप का जो होता है रंगीन सब पता नहीं है क्या आपको, ठीक है कोई नहीं, ये कलर प्रिंट निकल जाएगा, ईमेल कर देते हैं आपको। तो जिया यहाँ पर रोटी बनाने की तैयारी कर रही है जी, यहाँ पर देख सकते हैं एक एक करके जो है गोला बना रही है। कितना गोला लगता है हम लोग के लिए? 21 गोला लगता है, 21 गोला से बन जाएगा 21 रोटी। गोला पहले से ही क्यों बना लेती है? क्योंकि रोटी हमारा बर्बाद नहीं। अच्छा, रोटी बनाते जाओ गिनते जाओ उतना होता नहीं है, एक बार में हम सारा गोला बना के रख लेते हैं और फिर रोटी बनाते जो आटा बचता है उसको फ्रिज में रख देंगे ताकि रोटी बर्बाद नहीं है। वाह बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं जी वीडियो के टाइटल पर, जो आपने वीडियो में टाइटल देखा था आप में से कई लोग जानना चाह रहे थे कि जिया की डिलीवरी डेट कब है, मैं कई सारे कमेंट पढ़ रहा था तो हमने बताया भी था, हमने मंथ बता दिया था लेकिन मंथ में भी शायद कई लोगों को कंफ्यूजन है, उन्होंने लगता है वह वीडियो नहीं देखा, तो चलिए आज आपको बता देते हैं जी। मई के जो सेकेंड वीक में है हमें डॉक्टर ने डेट दिया हुआ है, लेकिन डॉक्टर ने अगर मई का सेकेंड वीक दिया हुआ है तो उससे आगे पीछे तो थोड़ा बहुत होता है ही, जब आए वेलकम है उसका, है ना, हम लोग को भी बेसब्री से इंतजार है, इतना समय तो कट ही गया है, बस बचा हुआ है आखिरी महीना, अब जो है थोड़ा सा मुश्किल टाइम गुजर नहीं रहा। पहले का टाइम बहुत जल्दी से अच्छे से गुजर गया, अब थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन कुछ ही दिन की बात है वो भी अच्छे से गुजर रहा है। और बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि दीदी मैं भी प्रेग्नेंट हूँ आपके साथ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हैं तो मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि मैं कुछ भी मेरे साथ कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मैं जैसे कि वीडियो में बताती हूँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो आप लोग इतना अच्छा अच्छा कमेंट करते हो, मतलब क्या बताएं, बहुत खुश हो जाते हैं। और आजकल जो हम बता भी रहे हैं कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है इसलिए क्योंकि आप लोग सुझाव दोगे कि आप ऐसा करो, आजकल क्या हो रहा है कि मुझे कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम इनको बोलते हैं कि आप वीडियो में बता दीजिए ना तो बहुत सारा सुझाव आ जाएगा और बहुत सारी कई चीज होता है जिसका जानकारी हम लोग को नहीं होता है, तो जिया कहती है वीडियो में बता दिया कि जी ये बहुत सारे लोग होते हैं जो लोग इस जर्नी से गुजर चुके होंगे वह सुझाव दे देंगे। आपका सुझाव तो हमें बहुत काम आया है इस जर्नी में, इसलिए आप लोग का जितना शुक्रिया अदा करें बहुत ही कम है। वैसे ही आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और भगवान से दुआ कीजिए जो भी लड़का हो या लड़की एकदम स्वस्थ है मस्त है। ठीक है जी, तो अब ऐसा करते हैं इस वीडियो के यहीं पर खत्म करते हैं, उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना नहीं भूले, हमारा कोई वीडियो आए सबसे पहले और हां जी वीडियो को एक शेयर तो जरूर कर दें, आपके एक शेयर से बहुत बड़ा सपोर्ट मिलता है, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। तो मिलते हैं जी किसी नए ब्लॉग में, बाय बाय।